जी नमस्कार सर, मैं भोजपुरी की पावर स्टार कौन सी फैंस बोल रहे थे भोजपुरी फिल्म चैनल से। सर आज गाने का पोस्टर आया आउट हुआ सॉरी टीजर आउट हुआ सर कुछ टाइम पहले, एक घंटे पहले, जो कि गाने का नाम है साथी में उनका पावर स्टार कौन सिंह जी का और आपका लिखा हुआ है और SBR म्यूजिक चैनल का SBR म्यूजिक जी का म्यूजिक दिए है, तो इसके बारे में भैया गाना क्या चाहते थे, ये गाना मतलब किस टाइप का गाना है? टीजर तो आउट हो चुका है क्योंकि टीजर बहुत ही ब्लॉकबस्टर हो रहा है। गाना बहुत अच्छा है, कल 7 बजे का इंतजार कीजिए, सुनने को मिलेगा सबको। प्योर वर्जन है, भक्ति है, मतलब साउंड फील आएगा। हाँ तो मतलब ये गाना मतलब कि ऐसा लग रहा है कि टीजर से ही लग रहा है बवाल होगा, मतलब ट्रेंडिंग में जाने वाला है, एक घंटे में 2-3 मिलियन तो जाएगा ही ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, तो पब्लिक का आशीर्वाद है, 3 मिलियन जाए 6 मिलियन जाए वो तो महादेव का कृपा, पब्लिक का आशीर्वाद है। बाकी हम लोगों ने मेहनत किया है और गाया है भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार में कौन भैया ने, तो रिकॉर्ड बनाते ही। अच्छा इतना लेट क्यों आया, क्या रीजन हो सकता है, मतलब फैंस इतना इंतजार कर रहे थे? इतना लेट नहीं, ऑडियो का मसला था, वो ऑडियो में थोड़ा मिक्सिंग वगैरह देखना पड़ता है, सब तो जब तक छानी नहीं हो तब तक रिलीज नहीं कर सकते ना। हाँ। ऑडियो वो मिक्स होना था, तो कल सब फाइनल हुआ है, आज टीजर आ गया है और 9 तारीख का डेट फाइनल था, बस वो एक सोमवार वाला कंफ्यूजन था जिसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सोमवार को होगा, मुझे भी सोचना आया था कि सोमवार को होगा, लेकिन 9 तारीख वाला तो ये फाइनल था कि 9 को होगा। अच्छा अच्छा मतलब कंफर्म था कल का। हाँ ये तो कंफर्म। अच्छा अच्छा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन जाने बाद इतना था, बैक टू बैक पोस्टर आ रहा है और उसी वैसे आपका कंफर्म था ही इवेंट के दौरान, डेट अनाउंस पहले किया गया था कि आपका गाना पहले ही आएगा, उसी बीच में ग्लोबल वाले ने ही लॉन्च कर दिया। अरे सबका अपना शेड्यूल लगा हुआ होता है, सब कंपनियों का वहाँ से भैया के जो देखते हैं काम उन लोगों से बात करके ही डेट रखा जाता है, तो ग्लोबल का डेट था भाई उन्होंने किया और इनका जब डेट आया तो इन्होंने किया, और बीच बीच का जो गाना है MNB का गाना है, तो सबका जो डेट होगा उस डेट पे सबका गाना आएगा। अच्छा भैया ये जो गाना होने वाला है कल आने वाला है, तो मतलब जिसे इसका अगर जैसे भोजपुरी का जो सारेगामा होता है इवेंट होता है हर हर बार पवन सिंह जी का गाना आता है, तो क्या ये गाने के लिए कोई इवेंट होगा क्या? नहीं इवेंट का कोई ऐसा अभी कुछ मेरे को जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इवेंट में मेन आदमी तो भैया ही है और वो लंदन में। हाँ हाँ लंदन चले गए, इवेंट का कोई मतलब नहीं बनता किसके इवेंट में, जब तक वो नहीं होंगे तो इवेंट का फायदा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही बात है। जी वैसे सावन का गाना है, जब लोग बिठाएगा तो उसमें जब सब लोग यहाँ होंगे तो इवेंट तो सारेगामा करती ही है, और उन्होंने शुरू से इस चीज के स्टार्ट ही वही लोग इवेंट वाला, तो वो लोग तो करेंगे। जी जी सावन बात मतलब कब तक आएगा लोकगीत का पवन सिंह जी का आज भी? हाँ सारेगामा से गाने अब कंटिन्यू आएंगे उनके सावन के बाद, मतलब सावन के बाद आपका लिखा होगा मेरा लिखा हुआ आएगा, किसी का भी लिखा हुआ आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरा ही लिखा हुआ आएगा, और मेरा लिखा हुआ भी आएगा तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से आएगा, किसी और कंपनी से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा लिखता है देखिए वो कलाकार है, वो उनको बहुत गीत संगीत का बहुत नॉलेज है, बहुत पुराने कलाकार है और बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी है, तो उनको जो चीज अच्छा लगता है जो भी अच्छा, अगर कोई बाबू हमसे कुछ अच्छा लिखा जाएगा उनको अच्छा लगेगा तो गाएंगे, नहीं लगेगा तो बोलेंगे बाबू इसमें कमी है, तो वो तो भाई उनसे तो सीखने को ही मिलता है सब। अच्छा भैया गाना जब टीजर मोशन पोस्टर इतना ट्रेंडिंग में है, क्या मतलब इतना आपके मन में कितना खुश है, मतलब कि जो गाना टीजर मोशन पोस्टर जो टीजर सॉरी मोशन पोस्टर वीडियो इतना टीजर ट्रेंडिंग में गया, तो गाना कितना ट्रेंडिंग, इतना खुश है आप, कितना खुश है गाने के लिए? बिल्कुल खुशी की बात है, मोशन पोस्टर ट्रेंडिंग में है, टीजर लोगों ने देखा है, 1 घंटा में जितने लोग देखे हैं सब लोग तारीफ कर रहे हैं, टीजर बहुत ही बड़े लेवल का टीजर लग रहा है वो,
ऑडियो अभी किसी ने नहीं सुना है, वो कल ऑडियो आएगा तो लोग सुनेंगे। ऑडियो भी मैं अपने तरफ से मैंने लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मतलब आप लोग को, आप लोगों को मतलब उम्मीद से ज्यादा अच्छा होगा मेरे को, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी तो आशीर्वाद तो पब्लिक को देना है, अपने चीज को तो सब लोग अच्छा बोलते हैं। मैंने कोशिश किया है कुछ अच्छा लिखने का, आप लोग सुनिएगा और जो लोग भी सुनेंगे फिर बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जाते जाते भैया भोजपुरी ट्यून के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी ट्यून को जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं अभी और आगे भी सुनेंगे देखेंगे, हम लोग सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। कल आ रहा है 7 बजे काशी में शिवशंकर, उसको भी ट्रेनिंग नंबर 1 पे लाइए, करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समय दिया आप, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।